आपकी हर फेसबुक रील में स्टार बटन शो होगा, बस आपको ऐसे रील वीडियो बनाना है। तो फ्रेंड कैसे रील वीडियो बनाना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, अगर आप स्टार से अपनी फेसबुक आईडी को मोनेटाइज्ड कर चुके हो, लेकिन होता क्या है कि आप रील वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करते हो और किसी किसी वीडियो में आपका जो है रील वीडियो में यहाँ पर स्टार बटन शो नहीं होता है और किसी किसी में आपको शो होता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है कि यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन इस वीडियो जो कि बहुत अच्छी वीडियो होती है, जिस पे लगता है कि हाँ भाई आपको अच्छी खासी यहाँ पे जो है समर्थन मिलने वाला है, अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो है डोनेशन मिलने वाला है, और उसी वीडियो पर स्टार जो है आपको वहाँ पे इनेबल शो नहीं होता है। यानी कि जिस वीडियो पर आपको विश्वास होता है कि आपकी वो वीडियो अच्छी खासी चलने वाली है और बहुत ज़्यादा लोगों से मुझे स्टार मिलने वाले हैं, उसी पर्टिकुलर वीडियो पर फ्रेंड आपका स्टार बटन जो होता है वो डिसेबल हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर वीडियो पर स्टार बटन मिलने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा फ्रेंड कि आपको कैसे रील वीडियो को अपलोड करना है और किस तरीके की रील वीडियो होनी चाहिए। तो फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं, देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि वो किसी का भी म्यूजिक इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी की भी वीडियो को इस्तेमाल कर लिए, किसी की भी वीडियो को डाउनलोड कर लिए और किसी की भी वीडियो को वहाँ पे अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने जो आपका कॉपीराइट एक्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा होता जा रहा है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मतलब जो है स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और वो क्रिएटर पर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है। तो फ्रेंड अगर आप ऐसी गलती करोगे, दूसरे का कंटेंट अगर आप ज़रा सा भी कॉपी करोगे, ज़रा सा भी म्यूज़िक इस्तेमाल करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको जो फीचर मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर वे में कैसे वीडियो को अपलोड करना है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है आपका केवल और केवल ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, यानी कह सकते हो कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो पूरी तरीके से ओरिजिनल होना चाहिए। भाई आप या तो अपनी वीडियो में म्यूज़िक लगाइए ही नहीं, अगर आप म्यूज़िक क्रिएटर हो या फिर कह सकते हो कि म्यूज़िक का इस्तेमाल आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करना चाह रहे हो फ्रेंड, तो याद रखिए आप खुद का एक छोटा सा म्यूज़िक बनवा लीजिए किसी स्टूडियो में जाकर और उसी को काट काट के आप इस्तेमाल करते रहिए, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई आपको म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक अच्छे क्रिएटर हो और यहाँ पर आप केवल और केवल ओरिजिनल साउंड के साथ ही अपने रील वीडियो को अपलोड करोगे, तब जाके फ्रेंड आपके लिए बहुत बेस्ट है। यानी कह सकते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी हर रील वीडियो यहाँ पे क्या होगी, स्टार के साथ अपलोड होगी और आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा स्टार का। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपको किसी भी प्रकार का आपकी वीडियो में कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको म्यूजिक इस्तेमाल करना है, ना ही आपको किसी दूसरे का यहाँ पे कह सकते कोई भी टेम्पलेट्स वगैरह या थंबनेल वगैरह किसी प्रकार का कुछ इस्तेमाल मत करिए, जो दूसरे यानी किसी और को बिलोंग करता हो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। आपको खुद का अपना ओरिजिनल कंटेंट, पूरा का पूरा ओरिजिनल जो आपके मोबाइल से बनाया गया हो, जो आपने ही बनाया हो, उसी को आप अपलोड करिए ओरिजिनल ऑडियो के साथ, तो 100% आपको आपकी हर रील वीडियो में फेसबुक पर स्टार बटन शो होगा ही होगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।